पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में राजनीति करवटें बहुत कुछ बदल रही हैं। इसमें नीतीश कुमार किसी भी वक्त सरकार बदल सकते हैं, ऐसी चर्चाएं लगातार तेज हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अपने तमाम विधायकों मंत्रियों के साथ में बड़ी बैठक मुख्यमंत्री के आवास पर कर रहे हैं। इधर बैठक नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, तो उधर दिल्ली में 7 बजे अमित शाह और नीतीश कुमार को लेकर के नरेंद्र मोदी के साथ सम्राट चौधरी, रेणु देवी जो बिहार के पूर्व में उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, अति पिछड़ा समाज से आती हैं, वो भी पहुंच चुकी हैं। देखिए, इसके पहले में हमने आपको गेम बड़ा के माध्यम से अपने संपादक नमन मिश्रा के साथ में खबर किया था। इस खबर में हमने आपको बताया था कि रेणु देवी जो बिहार के पूर्व में डिप्टी सीएम रह चुकी हैं, जब एनडीए गठबंधन की सरकार थी, तब उनको आखिरकार दिल्ली क्यों बुलाया गया है। देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो महिलाओं को लेकर के बातें करते रहते हैं कि महिलाओं के लिए हमने बहुत कुछ किया, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री जो जीविका योजना है, इन तमाम योजनाओं की चर्चा वो करते रहते हैं। वो लगातार ये दावे करते हैं कि महिलाओं के उत्थान के लिए हमने बहुत कुछ किया है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन अगर एनडीए की होती है तो रेणु देवी के नाम पर मुहर लग सकती है। यानी कि जो बिहार बीजेपी चाहता था कि हमारा मुख्यमंत्री हो, नीतीश कुमार शायद अन्य कार्यों में उनको बने रहे। एक चर्चा ये भी चल रही है कि एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार संयोजक के पद की भूमिका निभा सकते हैं। यानी कि जो संयोजक इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को नहीं मिला, वो संयोजक का पद एनडीए और नरेंद्र मोदी की सरकार नीतीश कुमार को दे सकती है। इस पर भी कहीं ना कहीं मुहर और फाइनल बातें हो सकती हैं। इन तमाम चर्चाओं के बीच में रेणु देवी दिल्ली पहुंच चुकी हैं और दिल्ली पहुंच करके रेणु देवी के नाम पर मुहर लग सकता है। अब से 1 घंटे के अंतराल पर बहुत कुछ बिहार के सियासी गलियारे में, सियासी घराने में बहुत कुछ बदलता हुआ तमाम दर्शकों को दिखेगा। देखिए, क्योंकि रेणु देवी पर नाम पर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वो अति पिछड़ा समाज से आती हैं। अति पिछड़ा बिहार में 36% है और अति पिछड़ा बिहार में निर्णायक भूमिका में रहता है। बिहार में सरकार बदलने और सरकार में कई तरह की बदलाव करने को लेकर 36% अति पिछड़ा समाज को लेकर जो चर्चाएं लगातार दिन भर चलती रही हैं, जो अति पिछड़ा समाज को लेकर के बातें नीतीश कुमार करते रहे, जो बातें नीतीश कुमार अति पिछड़ा समाज को लेकर करते रहे हैं, उन बातों पर अब कहीं ना कहीं रेणु देवी के नाम पर मुहर लग सकता है। यानी कि बिहार में दूसरी महिला मुख्यमंत्री आपको देखने के लिए मिलेंगी। राबड़ी देवी के आवास पर भी हलचलें काफ़ी ज़्यादा तेज हो रही हैं। राबड़ी देवी के आवास पर, लालू प्रसाद यादव के आवास पर हलचलें तेज हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर काफ़ी कुछ चर्चाएं चल रही हैं। इन तमाम चर्चाओं के बीच में रेणु देवी का दिल्ली पहुंचना कई तरह के इशारे साबित कर रहे हैं। यानी कि भारत लाइव का एक और खबर पर दावा और एक और खबर पर मुहर लगता हुआ इस वक्त दिख रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।